इनर व्हील क्लब हमीरपुर ने कोविड-19 में समर्पण से काम करने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान इनर व्हील क्लब हमीरपुर ने स्वास्थ्य विभाग के अलावा हमीरपुर पुलिस को भी बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया। इनर व्हील क्लब हमीरपुर की अध्यक्ष डॉक्टर शोभा ठाकुर की देखरेख में क्लब की सचिव शिवानी मुकेश कतना, मीना चोपड़ा, डॉक्टर परिमा और मनोरमा की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी, बीएमओ टोनी देवी, डॉक्टर आर के अग्निहोत्री, बीएमओ बड़सर डॉक्टर नरेश, बीएमओ गलोड डॉक्टर सुनील गौतम, बीएमओ भोरंज डॉक्टर ललित कालिया, बीएमओ सुजानपुर डॉक्टर रमेश डोगरा, बीएमओ नादौन डॉक्टर अशोक कौशल, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रमेश रतु, डॉक्टर अरविंद कौंडल, डॉक्टर सुनील वर्मा, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर आरपी नरोत्रा, डॉक्टर अभिषेक मौदगिल, जिला जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सतीश शुक्ला, डॉक्टर आशीष आदि को सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस विभाग से इंस्पेक्टर संजीव गौतम, सब इंस्पेक्टर त्रिलोक, हेड कांस्टेबल सुनील और गुरुदेव को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने कहा कि मुझे गर्व हो रहा है कि टीवी में पूरे हिमाचल में हमीरपुर पहले स्थान पर है जबकि पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि टीवी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री ने 2025 तक लक्ष्य रखा है कि देश को टीवी मुक्त बनाना है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के भरसक प्रयासों से 2021 तक लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश को टीवी मुक्त करना है, उसको लेकर प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सहयोग से पैरामीटर्स सेट किए गए थे कि किन किन पैरामीटर्स पर काम करना है। उन पैरामीटर्स पर काम करते हुए पूरे हिमाचल को पहला स्थान हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि 884 केस अभी तक रजिस्टर हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस रेट काफी अच्छा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे जिला ने टीबी में जो स्थान प्राप्त किया है वो सारे स्टेट में हम नंबर 1 पर स्टैंड कर रहे हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग में हम नंबर 2 पर हैं। बिकॉज हमने टीबी उन्मूलन के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ने जो एक टीबी कंट्रोल के लिए एक प्रोग्राम टीबी एलिमिनेशन के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसमें लक्ष्य था 2025 तक हमने अपने आप को देश में टीबी फ्री करना है। मगर हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने के प्रयासों से 2021 तक का जो हमारा लक्ष्य लिया गया है कि हमने आपको अपने प्रदेश को टीबी फ्री करना है, उसी के लिए भरसक प्रयास हो रहे हैं स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एट एवरी लेवल। और हमने अपने हमारी टीबी की टीम में, मैं बोलूँगी, मिलजुल कर जो एक कार्य किया है, जो हमारे पैरामीटर्स फिक्स किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किन किन पैरामीटर्स पर काम करना है, जैसे टीबी के साथ डायबिटीज़ के पेशेंट्स को स्क्रीन करना है या हाइपरटेंशन या फिर वो एचआईवी के स्क्रीन करने हैं, उस तरह के जो हमारे एक पैरामीटर्स बने थे उन पैरामीटर्स पर व्हेन वी वर्कड अप तो इट वाज रियली नाइस कि हमें स्टेट में पहला पोजीशन मिला। और अगर मैं नंबर ऑफ केसेस बोलूँ तो हमारे ज़िला में अभी एट प्रेजेंट 884 जो हैं जो हमारे पे रजिस्टर हुए थे केस, हमारे पास ट्रीटमेंट सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और जैसा कि हमारा जो ये है कि हमने इंसिडेंस ऑफ टीवी को रिड्यूस करना है, लेस देन 43 हमारा एम है लाने के लिए, तो इस वक्त हमारा जो हमारा ज़िला चल रहा है हम काफ़ी अच्छे पोजीशन में चल रहे हैं स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आने वाले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में, जो हमारे अप टू 43 पर तक अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो लेट अस होप हम उसको अचीव कर पाएं। सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने कहा कि हमीरपुर में अभी कोरोना के 305 मामले आए हैं जिनमें रिकवरी रेट काफी अच्छा है और लगभग 92% रिकवरी रेट पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जिला में 305 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो उनमें से 283 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके लिए उन्होंने सर्विलेंस टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं वे सभी लोग बाहर से ही आए थे, जिसमें
किसी भी प्रकार के कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, जिसका पूरा क्रेडिट सर्विलेंस टीम को जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार अभी तक 16,233 सैंपल ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अगला कदम रहेगा कि सैंपलिंग लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, क्योंकि जितनी ज्यादा सैंपलिंग लिफ्टिंग कैपेसिटी होगी उतने ही ज्यादा केस देखने को मिलेंगे। कोरोना के केसेस में आप सब मीडिया को भी पता है, हम भी वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन अलोंग विद हेल्थ हैज वर्क्ड हैंड इन ग्लव्स बेसिकली इस प्रोजेक्ट इस काम के कार्य के लिए, और हमारे पास टिल डेट 305 केसेस हैं जो हम हमारे यहाँ डायग्नोज हो चुके हैं, पॉजिटिव केसेस आए हैं। पर मैं यहाँ एक अच्छी चीज़ अपने ज़िला के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। वी आर समवेयर अराउंड 92% रिकवरी रेट पर चल रहे हैं। अगर हमारे पास 305 केस हैं तो 283 जो हैं वो हमारे रिकवर हो चुके हैं। वो हमारे ज़िला का बहुत ही अच्छा एक अच्छा पैरामीटर है दैट रिफ्लेक्ट्स द सर्विसेज गिवन बाय द सर्विलेंस टीम। और यहाँ मैं अपनी सर्विलेंस टीम को जरूर मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों के माध्यम से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। हमारे ज़िला में पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा लोग इमिग्रेट किए हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं रफली बोलूँ तो अगर 35,000 के लोग आसपास लोग हैं जो हमारे ज़िला में एंटर कर चुके हैं इस वक्त तक, और उनमें कम्युनिटी स्प्रेड नहीं। हमारी सर्विलेंस टीम को ये क्रेडिट जाता है कि हम कम्युनिटी स्प्रेड को रोक पाए हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है, क्योंकि अगर बाहर से आए लोग अगर और जितने भी मैक्सिमम लोग आए हैं वो बाहर पॉजिटिव आए हैं वो बाहर से आए हुए हैं। अब हमारे मेडिकल कॉलेज में अपने लोकल मेडिकल कॉलेज में लैब स्टार्ट हो चुकी है RTP। पहले हमें टांडा भेजने पड़ते थे, देन वी यूज़ टू सेंड एट पालमपुर। अब नाउ वी आर सो लक्की कि हमारे यहाँ अपने ही ज़िला में लैब स्टार्ट हो चुकी है, एंड इससे हमें और बूस्ट मिलेगा। और हमने बहुत सब इवन गवर्नमेंट में तो हमने की है टीमें ट्रेंड सैंपल टेकिंग की, इसके साथ साथ हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोगों को भी ट्रेंड किया है। आज की डेट तक अगर मैं बोलूँ तो हम कोई 16,233 सैंपल उठा चुके हैं टिल डेट, बट लक्ष्य को और आगे बढ़ता हुआ नज़र आता देख के अब हमारा अगला स्टेप है, जैसा कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस रहेंगी कि हम अपने हेल्थ वर्कर्स को भी इसमें ट्रेनिंग दे दें, ताकि जैसा ही हमारा हेल्थ सब सेंटर पे हमारा वर्कर कार्य कर रहा है, या हमारे CHO कार्य कर रहे हैं, या हमारे हेल्थ सुपरवाइजर्स कार्य कर रहे हैं, तो हम फेज्ड मैनर में उनको भी ट्रेनिंग दे देते हैं, ताकि जैसे ही कम्युनिटी में कोई आता है तो हमारी सैंपल लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। अब हमारा जो अगली स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम सैंपल लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम और ज़्यादा सैंपल्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे।